कभी तो एसी करवा के आना नहीं चाहिए, इन लोग की जैसे हालत रहेगा देख सकते हैं। इधर दिखा, मुंह दिखा, अरे मत आना सीधा मत आना, वीडियो बना फिर बोला हाँ, दूटा उंगली घुसा ले मेरे संग रहना, मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे कष्टों को भस्म करना। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार, और आप देख सकते हैं लगभग अभी टाइम हुआ 2 बज चुका है, और ये ऐसा ट्रेन है दुनिया का जब सबसे स्लो ट्रेन। कल दोपहर से बैठे थे हम लोग और अभी पहुंचे हैं, अभी 2 बज रहे हैं, अभी भी ऋषिकेश नहीं पहुंचे हैं, अभी लगभग 25-30 किलोमीटर और बच रहे हैं, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लग रहा है। अरे ऋषभ भाई अपने इन लोग का अलग व्यवस्था चलते हुए, कैसे सोए नहीं क्या दोस्त, क्या बोलना चाह रहे हो इस ट्रेन के बारे में आप? ये ट्रेन ऐसा घर ही है, वापिस चलते हैं भी। देना क्या उनका, लेकिन नहीं जाऊंगा, घूमना जरूरी है, आए हैं तब घूम के जाएंगे। मामा तो हाँ ओके ओके ओके। तो फाइनली भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और फिर मिलते हैं आगे। अभी तो पूरा सामान पैक कहाँ कहाँ सब इधर उधर बिखरा था, फिर निकल रहे हैं लालू हुआ है कि नहीं अपने नीरज भाई। चलो फिर हो गया सब, ठीक है सब हो गया ना, क्लियर है ना। और ये सब कहाँ है, सब तो उतर गए इसको, तो फाइनली भाई लोग टीटी से लड़ाई होने के बाद हम पहुंच चुके हैं अब अपने ट्रैवलर पे जहां बुक किए हैं 700 रुपए में। सबको पता भी रहना चाहिए कितना लगता है, 700 रुपए 13 लोग हैं, तो सबका हो चुका है बुकिंग, अभी निकलेंगे क्योंकि आधी रात में ये मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत रेट लगेगा भाई। अब देख सकते सब भाई लोग बैठ चुके हैं, 2-3 लोग बचे हैं, ये अपने रखे ज्यादा शंभो लगभग हम लोग 50 किलोमीटर आ चुके हैं, 50 नहीं 60-70 किलोमीटर आ चुके हैं आगे ऋषिकेश, क्योंकि तुरंत मिल गया था हम लोग को ये ट्रैवलर जो बुक कराए थे, और उसके बाद सब निकल चुके हैं। अभी देख सकते हैं अभी 5 बज रहे सुबह का, और व्यू देख सकते हैं भाई लोग सब, बाकी सब जग चुके, जितने सोने वाले थे अभी जग रहे हैं मनमोहन जी को छोड़ के। देवप्रयाग ना, तो फाइनली भाई लोग हम लोग देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और आपको व्यू दिखा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से है व्यू। और एक सेकंड गाड़ी आ रहा है, देख के क्रॉस करना पड़ेगा, है यार
यार, देख सकते हैं भाई लोग कुछ इस प्रकार से पूरा सीन है सुबह 5 बजे का लगभग। अब देख सकते हैं दो नदी का संगम जहां अलग अलग आपको दिख सकता है कलर जैसे दिखाई दे रहे हैं, और हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है कलर यहां का। देख सकते हैं आप दोनों साइड का अलग अलग कलर दोनों मिलके, यहां देवप्रयाग बोलते हैं इसको। तो कभी भी आप आओ तो यहां एक बार देखो और देख के इतना मस्त व्यू देख सकते हैं आप पूरा। कुछ इस प्रकार से व्यू है यहाँ का, और ये तो खास ही है, यहाँ हर कोई आता है और देख के ही जाते हैं। तो आप सबके आइए और यहाँ देखिए एक बार इस जगह को, चाहते हो जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। अपने सभी भाई लोग देख सकते हैं इधर फोटो खिंचाने में लगे हैं, कोई वीडियो बनाने में लगे हैं। अपना ये भांचा बन गया, भांचा आपका फोटो और वीडियो जो है। क्या फोटो खिंचा रहे हैं क्या? मैं कल इसको मोबाइल में देखता था और आज हकीकत देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो कि हमारे जो जितने भी देखने वाले हैं हमारे भाई लोग, तो उनको आना चाहिए कि नहीं यहाँ? और आए तो एक बार देख के जाए, और देखना चाहिए कि प्रभु की इच्छा होगा तो आप जरूर आएंगे, और हर बार आपको आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी यहाँ का सब फोटो शूट सब कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, और अभी निकलने वाला है क्योंकि उधर जाने के लिए लेट हो चुका है। अरे छोटू, तो अभी निकल रहे हैं भाई लोग, मिलते हैं आगे, आप लोग को दिखाते हैं फिर और आगे क्या क्या होता है। प्रदीप मिलते हैं तक। और ये लालू भाई रेडी जाने के लिए। तो फाइनल भाई लोग निकल चुके हैं देवप्रयाग से, और देख सकते हैं आप झोली खाली लाया बाबा, जल चढ़ाने आया बाबा, बड़ी दूर से आया बाबा, तेरे दर की शान निराली, संग बिठाए मगर काली, संग बिठाए चाय किसका है? और सुबह की शुरुआत मैगी के साथ देख सकते हैं भाई लोग। और कौन कौन बचे हैं? कौन कौन बचे? तो देख सकते हैं हम लोग आए थे भाई यहाँ देवप्रयाग के बाद, रुद्रप्रयाग दोनों के बीच में है ये नव्य किचन करके। तो यहाँ हम लोग मैगी खाए, बहुत अच्छा लगा। तो आप भी कभी यहाँ आइए जरूर, एक बार आइए नव्य किचन करके और एक मैगी खा के देखिए, बहुत अच्छा था। क्योंकि मैं एक बार और आ चुका हूँ, आगे में एक भी मैगी ऐसा नहीं बनता जो खाने लायक हो, लेकिन क्या करें, पेट भरने के लिए खाना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा था, बस चाय में चीनी कम था। तो मिलते हैं भाई लोग आगे। शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा नमः शिवा, शिव शिव शंकरा नमः शिवा, मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना। आना ही नहीं है, सबके चेहरों में खौफ का मंजर दिखते हुए भास्कर, हमारे ड्राइवर भैया जो फोन में बात कर रहे हैं, सब लोग का हालत खराब हो चुका है इधर।
शंकरा काल भी तू है महाकाल तू है त्रिलोक भी तू शिव भी तू ही शंकरा मेरा भोला है भन। तो हमारे पास पानी की कमी हो चुकी है तो इधर हमारे निखिल भाटा गए हैं पानी भरने बॉटल पे और इधर फोटो वोटो खींचना चाह रहे बुल्ले ने गोदी में तेरे गणपत विराजे तेरे अंग संग्रह गौरा मैया शंकरा सर पे बिठाए गौरा की सौतन जिस लोग कहते हैं गंगा मैया शंकरा चटा बिच गंगा बैंदी है और जा पुछ दी रहती है चटा बिच गंगा बैंदी है और जा पुछ दी रहती है तू दस मेरे भोले गंगा तेरी की लग दी फाइनली भाई लोग पहुँच चुके हैं हम सोनप्रयाग और यहाँ से जाएंगे गौरीकुंड। यहाँ का बस एक ही दिक्कत है कि सोनप्रयाग तक छोड़ देते हैं और उधर का गाड़ी यहाँ से हम लोग को पैदल ही जाना पड़ता है और आगे तक उसके बाद ही गाड़ी मिलती है आगे जाने के लिए। तो चल रहे हैं अभी तो फिलहाल पूरे पब्लिक रुक जाओ यार फालतू आगे पीछे हो दे ठीक अकेले अकेले चश्मा यार गलत बात है बाकी लोग पीछे हो गए यार वेट करना पड़ेगा अरे शॉर्ट आउट मत देख सकते भाई लोग अब गौरीकुंड जाने का तैयारी इधर बैग वैग पैक हो रहा है फाइनली गाड़ी मिल चुका है चलो तो बैठिए फिर तुरबा अलग से लेगी का पीछे। तो फाइनली गाड़ी रेडी हो चुकी है और तुम लोग रेडी हो गए नहीं दोस्त तो जा निकल तो फिर लॉक हो दिक्कत नहीं है बैग में लाऊं मैं ज्यादा कुछ नहीं होगा तालाब इसमें कूदे अरे अब फिर एक दिक्कत यार दो चार टाइम सूजी का दे मिलना नहीं मां सुना आपको कैसा लग फील हो रहा है अभी आपको छोड़ दिया थे बीच में पैदल चले आते हैं बढ़िया नहावत बच्चा मन जी अभी इतना हाँ बोला तो कैसे ना नहाना चाहिए भाई मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुँचे भाई उसके बाद गाड़ी भी मिला और सब लोग बैठ भी चुके थे लेकिन आगे जाके देखे तो पूरा ट्रैफिक लग चुका है बहुत तकलीफ है जिंदगी में नहाए ना खाना खाए कभी कभार इंसान सब कर क्या गया है देख सकते हैं भाई लोग हम लोग से मजाक करते हुए कार में बैठने के बाद खुद उतर जाता है भाई ले यार कोनो चला भाई और छोड़ा हो रहा हो चलो भाई मजाक मत करो यार बहुत तकलीफ हो रही है ना नहाए ना खाए है ना कपड़ा चेंज किए दो दिन से इससे आज जिंदगी कुछ तीन दिन अबे चुप है सारे ज्यादा मत बोल रहे धोखा दे दी आधे बीच में और पैसा थोड़ा सा छुपा के लिए क्या बोल सकते है इन लोग का यूनियन है उन लोग की जगह पर इतना तो बनता है उन लोग का अब जा रहे हैं पैदल हट जा साइड कर लो
चलना निकाल चल जा रहे पैदा पर ऊपर देखेंगे अभी रूम लेना पड़ेगा मिलते हैं फिर आगे भाई लोग बाकी दो लोग अभी चले भी गए हैं सकते भाई लोग अपन आए थे रूम के लिए और हमेशा की तरह अभी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जा रहा है जैसे कि हमेशा रेट की अप डाउन इतना ज़्यादा है कि क्या बोल सकते हैं और थोड़ी देर के लिए बस बात कर रहे थे तो बैग को भी हटाना पड़ गया घर से मतलब ये स्थिति है आ रहा है कोई घूमने आ रहा है और अपनी जगह पर घूमने आ रहे फिर भी ये हाल है देख सकते हैं क्या क्या होता है भाई और एक तो वो गाड़ी वाले लोग बदतमीजी कर रहे थे सबकी कड़ी मेहनत रंग लाते हुए बात तो अभी हम लोग भाई घूमने आए निकले हैं गौरीकुंड में तो थे रुके थे स्टे किए थे और दो दिन से अच्छे सोए नहीं थे ना यहीं रुके थे फिर उसके बाद अभी निकले थे 7 बजे लगभग थोड़ा घूम के आते हैं घर में और देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा बाकी अंधेरा चीज़ दिखा नहीं पाऊँगा अगर कैंपिंग वाले लोग भाई लोग अरे एमन कुछ हो रखी है कि नहीं रखी भाई उठा पाओगे तो क्या दिखाई देख सकते हैं भाई लोग तैयारी चल रहे हैं निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए कहाँ दिक्कत है।